पौष्टिक पकवान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बज बारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बज बारस की ही मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। बज बारस में जो हम खाने बनाते हैं उसकी रेसिपी पहले भी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने काफ़ी पसंद करी है। लेकिन जब बज बारस में हम खाना बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो मैंने रेसिपी शेयर करी है उसमें मैंने काफ़ी सारी ये समस्याएं हल करी हैं, लेकिन उसके बावजूद कई क्वेश्चन आए मुझे कि भाई हमारे यहाँ खाने में छौंक भी नहीं लगता है, हमारे यहाँ ढक के भी नहीं पकाया जाता है, हमारे यहाँ हरा धनिया भी नहीं डलता है। कई सारी समस्याएं थी कि तो हम कैसे बनाएं। तो उन लोगों के लिए मैं आज ये कढ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैं भी बना रही हूँ बज बारस पर। इसमें ना मैं छौंक लगाऊंगी, ना ही मैं कुछ इसमें कट करके डालूंगी, ना ही इसको ढक के पकाऊंगी, और ना ही मैं इसमें तड़का भी लगाऊंगी कढ़ी में। लेकिन तब भी मैं आपको कंप्लीट कढ़ी बना के बताऊंगी बज बारस के लिए, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं बज बारस के लिए बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर मट्ठा लिया है, जिसको कि छाछ भी बोलते हैं, और ये भैंस के दूध की जो छाछ बनाई जाती है वो है, क्योंकि बज बारस में हम गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भैंस के दूध से ये मैंने घर में ही दही जमा के और उसकी छाछ बनाई है। तो 1 लीटर मैंने ये ले लिया। अब इसमें जो जो हम सामग्री ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालिए कढ़ी के अंदर। हल्दी 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है, और 1 टेबल स्पून के लगभग यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये कढ़ी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप बज बारस पे ही बना के खाएं, ये बिल्कुल ऑयल फ्री कढ़ी है। इसमें मैं बिल्कुल तेल का यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन काफ़ी टेस्टी बनती है कढ़ी और काफ़ी हेल्दी है। तो आप बज बारस पे तो इसको बनाइए सही, साथ में आप ऐसे भी बना के इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक मिर्च और हल्दी इसमें ऐड कर दिया, इनको मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर आप हरी मिर्च देख रहे हैं, तो हरी मिर्च को हम कट करके नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, और हमको इसमें तड़का नहीं लगाना है। लेकिन जब हम ये छाछ बॉईल करेंगे तो बॉईल करते समय ही मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, तो ये भी इसके साथ अच्छे से पक जाएगी। तो इस तरह से हमको हरी मिर्च को तोड़ तोड़ के इसमें डालना है। ये कढ़ी आप बना के जब खाएंगे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इसमें हमने तड़का नहीं दिया है या पकौड़े हमने तल के नहीं बनाए, बहुत अच्छी बनेगी ये कढ़ी। तो मिर्ची मैंने हाथों से तोड़कर डाल दी जैसा कि आपने देखा। अब यहाँ पर आप फ्रेंड्स कड़ी पत्ते देख रहे हैं, फ्रेश कड़ी पत्ते घर में लगे हुए। तो ये कड़ी पत्ते ही मैंने हाथों से फोड़कर इसमें डाल दिए, इनको मैंने कट नहीं किया है। अब लास्ट में हम इसमें एक चीज और डालते हैं जो कि बेसन है, वो बहुत जरूरी है। हमारे घर में जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो हमारे घर में सबको पतली कढ़ी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करूँगी। लेकिन अगर आप गाढ़ी कढ़ी पसंद करते हैं तो आप इस समय पर ज़्यादा बेसन ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून ही बेसन ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून और ये 1.5, तो 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, और कढ़ी वैसे पतली ही अच्छी लगती है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो पहले बेसन को गीला करके अच्छे से फेंट के फिर आप छाछ में मिला सकते हैं, इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलते हैं हमारी अगली प्रोसेस की तरफ। कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ी चम्मच लेकर और इसको फेंट लिया है पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मैंने थोड़ा इसको मैंने गाढ़ा बनाया है, क्योंकि हम इसको फ्राई करके नहीं बनाएंगे। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर आगे हमको दिक्कत आएगी। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, बाकी के मसाले भी इसमें डालती हूँ। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी सौंफ,
इसमें काफ़ी अच्छी लगती है सौंफ। ये जब बॉईल होगी कढ़ी के साथ तो इसमें काफ़ी इसकी अच्छी खुशबू आएगी। तो हींग की भी आपको इसमें कमी नहीं लगेगी, क्योंकि हींग भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हींग मैं आगे भी ऐड करूँगी, लेकिन कैसे ऐड करूँगी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये सब इसमें मिक्स कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला है। वैसे जब मैं सिंपली कढ़ी बनाती हूँ, पंजाबी कढ़ी या राजस्थानी कढ़ी, तो पकोड़े का जो घोल रहता है इसमें मैं अदरक भी डालती हूँ और प्याज भी कट करके डालती हूँ और हरी मिर्च भी कट करती हूँ। लेकिन आज हमको कुछ भी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने सिंपल बेसन तैयार कर लिया है। तो चलिए आगे की हम तैयारी करते हैं। गैस ऑन करके और ये मैंने कढ़ी का घोल इसमें चढ़ा दिया है और लगातार चलाते हुए जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाए मैं इसको चलाते हुए पकाऊंगी। जब भी हम कढ़ी बनाते हैं, छाछ हम गैस के ऊपर चढ़ाते हैं घोल इसका, तो ध्यान रखिए आप इसको लगातार चलाइए जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। अगर बीच में आपने इसको हाथ को रोका या तो हमारी कढ़ी फट जाती है। तो जब तक इसमें उबाल आएगा तो मैं इसको कंटिन्यूस चलाती रहूंगी। बच बारस की जो रेसिपियाँ मैंने पहले तैयार की थी उसकी लिंक भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कढ़ी में उबाल आ चुका है, तो गैस में कम कर देती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने कम कर दी है, ये देखिए। कढ़ी में बॉईल आ चुका है, अब हमको इसके अंदर पकोड़े डालने हैं। तो पकोड़े हम फ्राई करके डालते हैं, लेकिन इस कढ़ी में मैं आपको बिना फ्राई किए हुए पकोड़े बता रही हूँ। तो इस जब कढ़ी में उबाल आ जाए उस समय पर जो हमने बेसन घोल के रखा है, तो हमको हाथ में ऐसे बेसन लेके छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ इसमें तोड़ देनी है इस तरह से। आप अगर बड़े साइज की पसंद करते हैं पकौड़ियाँ तो आप बड़े साइज के डालें, और छोटी पसंद करते हैं तो छोटी। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी आप पकौड़ियाँ इसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद ये पकौड़ियाँ सारी बॉईल होकर ऊपर आ जाएंगी, तो छाछ भी पकती रहेगी, बेसन पकता रहेगा और साथ में पकौड़ियाँ भी इस बॉईल के अंदर पकती रहेंगी। कढ़ी को हम लोग जितना उबाल के बनाते हैं कढ़ी उतनी ही टेस्टी बनती है, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो जाएंगे, हमारे पकौड़े भी साथ में बॉईल हो जाएंगे, पक जाएंगे। ये देखिए ऊपर आने लगी हमारी पकौड़ियाँ। राजस्थान में गुठला करी काफी फेमस है, जो कि इस तरह से बनाई जाती है। काफी हेल्दी है फ्रेंड्स ये करी। जो लोग बिल्कुल ऑयल फ्री खाना पसंद करते हैं उनके लिए काफी अच्छी रेसिपी है, और बच बारस के लिए तो बिल्कुल है ही अच्छी रेसिपी है। ये मैंने आप लोगों के लिए विशेष तौर पर तैयार करी है रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी पकौड़ियाँ कढ़ी के अंदर तोड़ दी हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं बॉईल होके वो ऊपर भी आ चुकी हैं। तो इनको हम अच्छे से बॉईल करेंगे, बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए बेसन और हमारी कढ़ी। कढ़ी में जैसा कि मैंने आपको बताया जितना पकाया जाता है कढ़ी उतनी ही टेस्टी लगती है, तो इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। कढ़ी बनाते समय अगर इसमें कसूरी मेथी डाली जाए तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, तो यहाँ पर मैं कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। ये देखिए राजस्थान में फ्रेंड्स जब प्याज की कचौरी दी जाती है या कचौरी समोसे, तो उसके साथ जो कढ़ी दी जाती है उसमें भी ये कसूरी मेथी डली होती है, और जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। बहुत अच्छे से ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी कढ़ी बनके तैयार हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ये पकौड़ियाँ आप देख रहे हैं जैसे कि छोटी छोटी सी सुंदर उबल के ऊपर आ चुकी है। यहाँ तक हमारी प्रोसेस हो चुकी है, आगे की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि तड़का तो हमको लगाना नहीं है, तो तड़के की पूर्ति के लिए क्या करें वो मैं आपको बताती हूँ। कढ़ी को मैं दूसरी साइड चढ़ा देती हूँ गैस के ऊपर, और यहाँ पर हम पैन चढ़ाएंगे। इधर मैंने कढ़ी चढ़ा दी है, ये अच्छे से बॉईल हो रही है, इधर मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा दी और पैन गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राई
मेथी दाना, जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च। तो सबसे पहले इसमें से मेथी दाने को डाल देंगे पैन में। हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, हम इनको रोस्ट करके और कढ़ी के अंदर ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तड़का तैयार हो जाता है कढ़ी के लिए। मेथी दाने को थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने पहले ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं राई ऐड कर देती हूँ, ये भी अच्छे से तड़केगी। ये देखिए, अब गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। इसके बाद यहाँ पर मैं जीरा ऐड कर देती हूँ, सूखी हुई लाल मिर्च हम लास्ट में ऐड करेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ते भी मैं फिर से डालूंगी। जब ये मसाला हम भूनते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और उस खुशबू का मतलब होता है कि हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च को थोड़ा सा मैंने बीच में से फोड़ लिया है ताकि ये फटे नहीं। इसको मैंने कट नहीं किया है, हाथों से हल्का सा बीच में से थोड़ा सा इसको फोड़ लिया था। तो मसाले हमारे काफी अच्छे से भून चुके हैं। लास्ट में यहाँ पर मैं फिर से कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ, इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। कड़ी पत्ता हमने बॉईल करते समय भी डाला है कड़ी में और इस समय पर भी, क्योंकि कड़ी पत्ते की खुशबू कड़ी में बहुत अच्छी लगती है, इसका नाम ही कड़ी पत्ता है। तो ये हमारा रोस्टेड मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस मैं ऑफ कर देती हूँ। तो हमारा रोस्टेड मसाला तैयार हो चुका है। अब ये मैं कड़ी के ऊपर इसका रोस्टेड तड़का लगा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखने में ही पता लग रहा होगा कि बिल्कुल ऑयल फ्री कड़ी है, लेकिन सेम वो ही दिख रही है जैसे कि हमने पकौड़े तल के बनाए हैं, कड़ी में तड़का लगाया। ये देखिए, सारे मसाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, और हमारे फेस्टिवल के हिसाब से मैंने कड़ी तैयार की है आप लोगों के लिए। ये देखिए, मसाले डालने के बाद भी थोड़ी सी देर में इसको भूनूंगी ताकि मसाले बॉईल करूंगी कड़ी को, ताकि बहुत अच्छी सी जो मसालों की खुशबू है वो कड़ी के अंदर तक चली जाए। कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसको उबाल उबाल के आधा कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत टेस्टी बनी है फ्रेंड्स कड़ी। तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए, पकौड़े आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने फ्राई करके बनाए। तो अब मैं कड़ी को निकाल लेती हूँ। राजस्थान में जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको भी कंफ्यूजन रहता है कड़ी कैसे बनाएं, तो आप बज बारस पर इस तरह से कड़ी बनाइए, बिल्कुल टेस्टी सी। बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल इसमें एक बूंद भी तेल का यूज नहीं किया गया। ये देखिए, बिना फ्राई किए, बिना तड़का लगाए हुए, बिल्कुल ऑयल फ्री ये कड़ी मैंने आप लोगों के लिए तैयार करी है, विशेष तौर पर बज बारस के लिए। काफ़ी हेल्दी कड़ी है, किसी भी ओकेजन पे आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बज बारस पर ये स्पेशल कड़ी बनाइए, खाने में काफ़ी टेस्टी है ये, बिल्कुल जो हम कड़ी बनाते हैं उसके जैसी। आप इसको खाइए, इंजॉय कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।